Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Today I'll be talking about my summer body care essentials. मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ acne skin care पे, normal skin care पे, hair care पे, लेकिन मैं body care पे इतना ध्यान नहीं दे पाती. So आज मैं सारे मेरे body care favorite share करने वाली हूँ जो मैं summers में specifically use करती हूँ. These are like my life saviors in summers. बहुत सारा कशिका ज्ञान मिलने वाला है आपको इस वीडियो में. So without any further ado, let's get started. My number one summer body care essential has to be body lotion. अब आप सोचोगे यार winters में तो body lotion चाहिए होता है because skin ड्राई हो जाती है, लेकिन समर्स में तो हम स्किप कर सकते हैं. बट एक मिनट, आपने टैनिंग वर्ड सुना है? समर्स में हमारी बॉडी इतनी बुरी तरीके से टैन होती है ना, तो अगर आप SPF इन्फ्यूज्ड बॉडी लोशन नहीं यूज करोगे, लिटरली टैनिंग विजिबल होती है. आई स्टिल रिमेम्बर हमारे स्कूल टाइम में हमारी यूनिफॉर्म यहां तक होती थी, हमारे इतना जो स्किन थी वो हमारी जो नॉर्मल स्किन टोन है वैसी थी, और इतना एरिया हमारा पूरा टैन होता था बिकॉज तब हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि यार बॉडी पे भी हमें SPF लगानी चाहिए. तो आपको दो ऑप्शन देने वाली हूँ. सबसे पहले है ये एवर यूथ का बॉडी लोशन इन द रेंज सन केयर बेरीज SPF 15. मैंने एवर यूथ के साथ एक स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाई थी, मैंने इनकी पूरी रेंज आपको दिखाई थी. उसमें से खाली यही एक लोशन है जिसके अंदर SPF 15 है जो SPF इन्फ्यूज्ड है. तो आई थिंक ये बॉडी लोशन घर के लिए एकदम परफेक्ट है. मैं शेविंग करती हूँ हैंड्स पे, लेग्स पे, तो अगर मैं बॉडी लोशन ना लगाऊ ना मुझे अजीब सी रैशेज हो जाते हैं, इचिंग होनी शुरू हो जाती है. आपको शेविंग के बाद कभी भी अपनी स्किन को ड्राई नहीं छोड़ना चाहिए. आई एम रियली सॉरी, मेरा अभी जस्ट जुकाम ठीक हुआ है तो मेरी आवाज़ गलत थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो प्लीज बेयर विद माई वॉइस. मेरी अभी सुर चल रही है, बट प्लीज बेयर विद इट. सो ये जो लोशन है ना, ये घर के लिए एकदम परफेक्ट है, शेविंग के बाद भी सही रहता है, और SPF 15 थोड़ी बहुत जो घर में धूप आती है ना उससे भी मुझे सन प्रोटेक्शन देती है. लेकिन अगर आप बाहर जाते हो, आप स्कूल गोइंग हो, आपका धूप में काम बहुत ज्यादा है, या फिर जब आप ऑफिस जाते हो, आप पीक समर टाइम, मतलब जो धूप वाला टाइम होता है ना, 12 से 4 वाला, 10 से 4 वाला जो टाइम होता है, तो आपको हाइयर SPF लगानी पड़ेगी. या फिर आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हो जहाँ पे धूप काफी ज्यादा है, उसके लिए ये वाला बॉडी लोशन एकदम परफेक्ट है. ये निव्या का सन प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइजिंग एंड कोलाजन प्रोटेक्शन SPF 50 है इसकी, प्लस PA 4 टाइम्स प्लस है UVA UVB प्रोटेक्शन. मतलब ये लिटरली खाली बॉडी लोशन नहीं है, प्रॉपर एक सनस्क्रीन के फॉर्म में इन्होंने बॉडी लोशन बना दिया है. जैसे आप हम फेस के लिए SPF यूज करते हैं ना, सिमिलर अमाउंट की SPF आपकी बॉडी को भी देने वाली है. सो अगर आप गोवा जा रहे हो, बीच पे जा रहे हो, कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहां पे धूप बहुत ज्यादा है, प्लीज यही वाली सनस्क्रीन कैरी करना, ये अच्छे से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखेगी. नेक्स्ट बॉडी के एसेंशियल इन समर्स हैज टू बी एन अंडरआर्म रोल ऑन, बिकॉज गर्मी में जो स्मेल आती है ना अंडरआर्म से वो अनबेयर होती है. आप स्कूल जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, थोड़ी देर बाद ही लेकिन आप नहा के भी सुबह एकदम रिफ्रेश होकर निकलो, जब धूप पड़ती है ना पसीने आते हैं अंडरआर्म से, फिर वो स्वेटिंग के पैचेस तो पड़ ही जाते हैं बट स्मेल भी बहुत अजीब आती है. सो उस केस में अंडरआर्म रोल ऑन एकदम परफेक्ट है. अंडरआर्म्स पे कोई भी बॉडी मिस्ट या परफ्यूम मत लगाया करो, आपकी स्किन और डार्क होनी शुरू हो जाएगी. सो मैं अंडरआर्म्स के लिए यही प्रेफर करती हूँ. यह निव्या का नेचुरली गुड डिओड्रेंट बायो ग्रीन टी है, 95% नेचुरली ओरिजिन से बना है और 5% इसके अंदर एसेंशियल इंग्रेडिएंट है. ये 24 आवर्स की आपको प्रोटेक्शन का वादा करता है, लेकिन इतना तो नहीं होता. ये आपको अच्छा खासा 6-7 घंटे तक अच्छी स्मेल आती है आपके अंडरआर्म से. सो कुछ नहीं करना होता नहाने के बाद, जस्ट लाइक दैट मैं अंडरआर्म्स पे रोल ऑन अप्लाई कर लेती हूँ. आप इसको अपने बैग में कैरी कर सकते हो अगर आप ऑफिस जाते हो, जिम जाते हो, आपको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जहां पे बहुत ज्यादा आपको स्वेटिंग होती है, तो आप वेट टिश्यू से क्लीन करके उसके बाद इसको अप्लाई कर सकते हो. कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रिफ्रेशिंग खुशबू आती है. ऐसा नहीं है कि अंडरआर्म रोल ऑन लगाने के बाद आपको स्वेटिंग नहीं होती, ये कोई सेटिंग पाउडर नहीं है, लेकिन जब भी आपको स्वेटिंग होगी ना तो इतनी गंदी स्मेल नहीं आएगी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं उस ओडर को कंट्रोल करके रखता है. सो दिस इज माई बॉडी के एसेंशियल. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना समर्स में, वो होती है बॉडी एक्ने या फिर बम पे एक्ने हो जाते हैं, बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं. हम काफी बार ऐसे पॉलिएस्टर सिंथेटिक वाले कपड़े पहनते हैं, लड़कियों के तो जितने भी फैंसी कपड़े आते हैं वो इसी मटेरियल के आते हैं, और ऐसे पॉलिएस्टर मटेरियल में बैक पे काफी बार रैशेस हो जाते हैं, एक्ने हो जाता है, और हम ना मतलब वहाँ पे हाथ नहीं जा पाते, हम कुछ अप्लाई नहीं कर सकते, तो काफी इनकन्वीनियंट रहता है. तो उसके लिए मुझे ये प्रोडक्ट काफी पसंद आ रहा है, मैं इसको रेगुलरली यूज कर रही हूँ. एक वीक से आप देख सकते हो मैंने इतना यूज भी कर लिया. आई रियली लाइक द होल पैकेजिंग और जो भी इसके क्लेम्स है और जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं. सो ये बेसिकली क्या है, ये है डॉटन की का सीका कामिंग बॉडी एंड बैक एंड बॉडी स्किन क्लैरिफाइंग स्प्रे. इसके अंदर ग्रीन टी है एंड सैल्सिलिक एसिड है, इसके अंदर 2% सैल्सिलिक एसिड है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो ये उन्होंने बैक बॉडी या फिर आप किसी बॉडी पार्ट पे लगा सकते हो, और ये आता है स्प्रे फॉर्म में, और इतनी फाइन इसकी स्प्रे है ना, मतलब मैं इसको इजिली अपने ऐसे बैक पे स्प्रे कर लेती हूँ नहाने के बाद. सो ये स्प्रे को आप लगे रहने दो, जैसे ही ड्राई हो जाएगा फिर आप कपड़े पहन सकते हो. तो ये कहीं ना कहीं उस एक्ने को, जो रैशेज होते हैं, रेडनेस होती है, उसको हील करने की कोशिश करेगा. जर्म्स को तो किल करेगा ही करेगा जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, एट द सेम टाइम एक्ने को भी कम करने की कोशिश करता है. मुझे इसका जो कन्वीनियंट यूसेज है ना, मुझे बहुत सही लगता है. आई डोंट थिंक अब तक मार्केट में कोई ऐसा कोई और ब्रांड प्रोडक्ट निकाल रही है जिसमें स्प्रे फॉर्म में आप कुछ बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो. इसकी जो पैकेजिंग है, इसके क्लेम्स में पढ़ के आपको बता देती हूँ. बॉडी एक्सफोलिएंट है जिसके अंदर सेंटला है, ग्रीन टी है, हील करता है एक्ने को, विजिबली स्मूथ करता है, क्लीन रिफ्रेश स्किन, अनब्लॉक करता है पोर्स को, फाइट करता है एक्ने को. कोई भी इसके अंदर एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है. दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय डॉटन की, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. मुझे प्रोडक्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं फीचर कर रही हूँ. सो डेफिनेटली आपके
जाके ट्राई कर सकते हो, ये भी अमेजोन पे अवेलेबल है। नेक्स्ट समर एसेंशियल उन सारी लड़कियों के लिए जिनकी भालू जैसी ग्रोथ है लाइक माइन। मुझे विंटर्स इसलिए अच्छी लगती है बिकॉज मेरी हेयर ग्रोथ काफी ज्यादा, मुझे विंटर्स में इतना फ्रीक्वेंटली नहीं शेव करना पड़ता, बट समर्स में तो यार मजबूरी है, हाफ स्लीव्स के कपड़े होते हैं, कट स्लीव्स के होते हैं तो शेव करना ही पड़ता है। और मैं वैक्सिंग इतनी नहीं करती हूँ, मैं अब हाथों पे लेग्स पे ज्यादातर शेव ही करती हूँ, ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, मैं अपने हिसाब से कभी भी कर सकती हूँ, मुझे बम्प्स नहीं पड़ते। मुझे काफी बार वैक्सिंग करने से बम्प्स पड़ जाते हैं, तो आई फील शेविंग इज बेटर फॉर मी। सो दो रेजर्स मैं अभी मेंशन करने वाली हूँ। सबसे पहला है जिलेट का जो रेगुलर वीनस वाला रेजर आता है, आई लव दिस वन। अगर आप डेली बेसिस पे कुछ घर पे यूज करते हो ना, तो वो यूज एंड थ्रो मत यूज करो यार, बिकॉज आप पूरी बॉडी यूज कर रहे हो फिर उसको थ्रो कर रहे हो, कुछ टाइम बाद कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी आप हार्म कर रहे हो। उससे बेटर ऐसे वाला रेजर लो जिसका हेड ऐसे रिप्लेस हो जाता है, तो आप यहाँ से जब बटन पुश करोगे यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा। ये रेजर का पैक आता है, पैक ऑफ टू आता है, पैक ऑफ थ्री आता है, आप वो परचेज कर सकते हो और फिर इसमें आप टक करके अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो नंबर वन रेजर है, मैं यही यूज कर रही थी, लेकिन अभी जस्ट मैंने अमेजोन हॉल बनाया था पिछले हफ्ते, आपने देखा होगा, उसमें मैंने मालविका सितलानी की रिकमेंडेशन पे ये वाला लिया है, पर्पल वाला जो दिखता है कुछ इस तरह से। इसमें यहाँ पे सोप बार्स है, कैन यू सी इट हैज सोप बार्स राइट ओवर हियर। तो इसमें आपको शेविंग फोम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सो इफ यू आर ट्रैवलिंग, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपको अलग से शेविंग फोम नहीं कैरी करना, तो ये रेजर मत कैरी करो, जस्ट कैरी दिस वन। आप खाली अपने पैरों पर पानी डालो और इससे शेव कर सकते हो, बिकॉज ये जेल बार से एक सोप की लेयर बन जाती है, तो आपका अलग से शेविंग फोम नहीं यूज करना पड़ता। तो ओनली थिंग इज ये थोड़ा सा चिपचिप हो जाता है, मतलब इसके साथ इनको ना कुछ कैरी करने का केस देना चाहिए था, ऑल्दो इसके बॉक्स के अंदर वो आता है जिसके अंदर ये आता है आपका हेड, लेकिन हम उसको ऑब्वियसली थ्रो कर देते हैं। तो अगर वो इसके साथ कुछ देते ना कि हम इसको ऐसे कैप को ढक के फिर इसको कहीं ले जा सकते तो बेटर रहता, बिकॉज ये जो जेल बार्स है ना ये काफी बार स्टिकी स्टिकी हो जाते हैं। मैंने क्या किया हुआ, मैंने अपने वॉशरूम में, मेरे पास मैं स्पेक्स पहनती हूँ, तो मैं जब भी स्पेक्स नहीं बनवाती हूँ तो प्रॉपर एक स्पेक्स का केस मिलता है ना, तो मैंने एक स्पेक्स का जो केस है वो मैंने अपने वॉशरूम में रखा हुआ है। मैं दोनों रेजर्स को सुखाने के बाद उस केस के अंदर डाल के रख देती हूँ और फिर मैं उसी के साथ ट्रैवल कर लेती हूँ, उससे मेरे जो रेजर है इधर उधर कट नहीं पड़ता, सूट केस में इधर उधर गिरता नहीं है, स्पिलेज नहीं होती। सो दिस वन इज रियली गुड फॉर ट्रैवलिंग और एट होम के लिए ये दोनों परफेक्ट है, दोनों ही आपको काफी अच्छी क्लोज शेव देते हैं। सो हम शेविंग की बात कर रहे हैं, तो हम शेविंग फोम को कैसे मिस कर सकते हैं, काफी लोग ना नॉर्मल सोप लगाते हैं, फिर फेस वॉश कुछ भी, आप बॉडी वॉश यूज कर लेते हैं, उसी के फोम से शेव करते हैं, बट ट्रस्ट मी वो जो एक हल्का हल्का फोम बनता है ना, उससे शेविंग इतनी अच्छी अचीव नहीं होती, काफी बार उसकी वजह से भी रेडनेस हो जाते हैं, बम्स हो जाते हैं। सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप प्रॉपर एक शेविंग फोम खरीद लो। आजकल मार्केट में मूज भी आ चुके हैं, जो मूज फॉर्म में एक फोम सा बनता है, बॉडी वॉश का आता है, मेरे पास जो है ना वो साउथ अफ्रीका का है, मैंने अपनी फ्रेंड से जब वो आई थी मैंने उससे मंगवाया था, तो मैं उसको यहाँ नहीं मेंशन करी बिकॉज वो ऑब्वियसली यहाँ अवेलेबल नहीं है। आई यूज दैट वन ओनली, वो एक बॉडी वॉश है जो एकदम फोम की फॉर्म में निकलता है। लेकिन एक शेविंग फोम जो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, जो मैंने पूरा खत्म कर दिया है, वो है ये निव्या मेन का प्रोटेक्ट एंड केयर मॉइस्चराइजिंग शेविंग फोम। आई नो ये मेन का है, बट प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने पूरा खत्म कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, ये मुझे परफेक्टली सूट कर रहा है। सो ऐसा नहीं है इसके ऊपर मेन लिखा है तो खाली आदमी यूज कर सकते हैं, इतना सही इसमें फोम निकल के आता है ना, लाइक आप एक पंप भी करोगे ना इतना सारा भर के ऐसा व्हाइट कलर का पूरा एक मूस निकल के आता है। अच्छे से आप उसको लेग्स पे, आर्म्स पे, कहीं पे भी स्प्रेड कर सकते हो, अंडरआर्म्स पे लगा सकते हो। सो जब इससे शेविंग करते हो ना, ज्यादा बेटर आपकी शेव अचीव होती है, बम्स कम से कम पड़ते हैं, क्लोज आपकी शेव अचीव होती है। सो प्लीज वो कंडीशनर लगा के, ऑयल लगा के, हल्का फुल्का बॉडी वॉश लगा के शेविंग करनी बंद कर दो। अगर आपको भी कंप्लेंट है ना कि शेविंग से आपको रेडनेस हो रही है, कट्स पड़ रहे हैं, प्लीज इन्वेस्ट इन अ गुड शेविंग फोम। नेक्स्ट एसेंशियल इज अ बॉडी पाउडर। आई एम स्टिल दैट ओल्ड स्कूल गर्ल जो जब स्कूल जाती थी पाउडर लगा लगा के जाती थी, बिकॉज मम्मी ने ये आदत डाली थी, बेटा बैक पे पाउडर लगा, यहाँ पे लगा, वरना इचिंग हो जाएगी, रैशेज हो जाएंगे। और मैं अभी तक भी गर्मी में हल्का फुल्का पाउडर लगाती हूँ, स्पेसिफिकली बम एरिया पे। जब भी आप अगर ऑफिस जाते हो, आपकी 9 to 6 की जॉब करते हो, आप सारे दिन वो लेदर चेयर पे बैठे रहते हो, उससे भी आपकी बम्स पे रैशेज हो जाते हैं, इचिंग हो जाती है। तो नहाने के बाद हमेशा एक प्रिकली हीट पाउडर लगाया करो, इसलिए मुझे नाइसिल का अच्छा लगता है। मैं वो फैंसी पाउडर्स नहीं यूज करती जो खाली खुशबू खुशबू देते हैं, वो लिटरली यूजलेस होते हैं, इससे अच्छा परफ्यूम लगा लो। आप जब पाउडर यूज करते हो ना, ऐसे प्रिकली हीट पाउडर यूज किया करो जो आपकी बॉडी पे जो रैशेस होते हैं, इचिंग होती है, उसको कम करने में हेल्प करता है। आई लव दिस वन। ये जो बड़ा वाला पैक है ना, इसके साथ एक छोटा फ्री भी आता है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, वो मैंने पूरा यूज कर लिया था 1-2 महीने पहले, अभी मैं नया वाला पूरा खोलने वाली हूँ, अभी सील्ड है, सो सील खोल के मैं इसको यूज करूंगी। ये प्रिकली हीट पाउडर एब्जॉर्ब करता है स्वेट को, काम डाउन करता है, रैशेस को सूथ करता है, इचीनेस को। तो अगर आपको भी बैक पे या बम पे, मैं काफी बार जब ऑनलाइन कपड़े मंगाती हूँ ना, ऑब्वियसली हम नहीं श्योर होते कि फिट आएगा नहीं आएगा, रखने वाले नहीं रखने वाले, हम उसको वॉश तो करते नहीं, तो ये मेरी मम्मी का ही आइडिया है कि जब भी ऐसे नए कपड़े पहनती है ना, इसको पाउडर को लगाया करो ताकि बॉडी पे लेयर बन जाए, फिर जब आप वो नए कपड़े भी पहनोगे ना, वो आपकी बॉडी पे इचिंग या रैशेस नहीं देंगे। एंड दिस हैक एक्चुअली वर्क्स रियली वेल। तो अगर आप भी ऑनलाइन वाले कपड़े एकदम आते ही पहन लेते हो ना, मत पहना करो, या तो कोई स्पेगेटी पहन लिया करो या फिर ऐसा पाउडर लगा लिया करो ताकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए आपकी स्किन। नेक्स्ट समर मस्ट हैव जो मैं आपको
दिखाने वाली हूँ, आई थिंक मेरी ऑडियंस ने पहले ही गेस कर लिया होगा इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले, बिकॉज यू गाइज नो माई लव फॉर एलोवेरा जेल्स. आई थिंक इसी से मेरा करियर शुरू हुआ था. YouTube की मेरी फर्स्ट वीडियो थी बेस्ट एलोवेरा जेल्स इन इंडिया. अब मैं इतनी नहीं बनाती बिकॉज अब मैं इतना फ्रिक्वेंटली ना एलोवेरा जेल चेंज नहीं करती. आई रियली लाइक फ्यू ब्रांड्स और मैं उन्हीं को अब रीपर्चेज करती रहती हूँ. सो दो जेल्स मुझे काफी पसंद है फॉर माई बॉडी. अब आप पूछोगे बॉडी पे भी एलोवेरा जेल लगाना है? काफी बार क्या होता है हमें सन की वजह से सन डैमेज हो जाता है, सन बर्न हो जाता है, तो उस केस में ठंडा एलोवेरा जेल लगाया करो. फ्रिज का रखा हुआ जो जेल होता है ना, वो एक तो कूलिंग सेंसेशन देता है, आपकी स्किन की रेडनेस को कम करता है, एट द सेम टाइम सनबर्न को भी कम करने में हेल्प करता है. सो हमेशा एलोवेरा जेल्स को गर्मियों में फ्रिज में रखा करो, दे वर्क बेटर इन समर्स. वैक्सिंग के बाद की जो रेडनेस होती है या फिर जो भी वहां पे होता है ना, काफी बार रैशेस पड़ जाते हैं किसी किसी को, ताकि फ्यूचर में कोई बम्प्स ना आए, तो उसी टाइम ठंडा जेल लगा लोगे ना, वो काफी हद तक आपकी स्किन को काम डाउन कर देता है. सो दो एलोवेरा जेल जो मुझे आजकल काफी पसंद आ रहे हैं वो है ये दो. सबसे पहले है प्लम का, मैंने काफी बार मेंशन किया हुआ, आई लव दिस वन. इस बार तो मैंने पंप वाली बॉटल ली थी बिकॉज ये ज्यादा कन्वीनियंट रहती है. आप उसको अपने फ्रिज के किसी साइड कॉर्नर में रख दो और आपको फ्रिज से निकालने की जरूरत नहीं, आप खाली से दो तीन पंप लो बॉडी पे, कहीं पे भी बालों पे लगा लो एंड यू आर गुड टू गो. ये एलोवेरा जेल है, फ्रेग्रेंस फ्री है, नो आर्टिफिशियल कलर, जस्ट जेल, लिटरली प्योर एलोवेरा जेल जैसा फील होता है. इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो भी एकदम ऐसा लगता है कि नेचुरल एलोवेरा जेल की तरह है, कोई उन्होंने कलर नहीं डाला, कोई भी उन्होंने आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं डाली. वी रियली लाइक दिस वन. आप इसका जार वाला भी ले सकते हो अगर आप जार फॉर्म में लेना चाहते हो. सेकंड एलोवेरा जेल जो मुझे काफी सही लगा वो है ये मामा अर्थ का एलो टर्मरिक जेल. इसके अंदर प्योर एलोवेरा है, प्लस इसके अंदर टर्मरिक भी है, इसलिए थोड़ा सा येलो कलर का है. इसको भी आप अपने फेस बॉडी कहीं पर भी लगा सकते हो. जो टर्मरिक है वो भी आपकी कहीं ना कहीं स्किन की हीलिंग, जो सनबर्न हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, उसमें डेफिनेटली हेल्प करेगा. सो दीज टू आर माई फेवरेट. नेक्स्ट समर एसेंशियल उस टाइम के लिए जब मच्छरों की एकदम भरमार हो जाती है, बीच में फेज आएगा ना मई जून जुलाई के बाद जब बारिश हुआ करेगी, जब बहुत ज्यादा मच्छर बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम पे मैं हमेशा अपने बैग में कैरी करती हूँ. इनफैक्ट ये पूरे साल ही मेरे बैग में रहता है. काफी बार विंटर्स में भी हम किसी पार्क में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो वहां पे मच्छर होते हैं. हम काफी बार ओपन कैफेज में जाते हैं, वहां पर काफी बार लेग पे ऐसे मच्छर काट रहे होते हैं. सो आई ऑलवेज कैरी दिस रोल ऑन. ये है मामा अर्थ का एंटी मॉस्किटो फैब्रिक रोल ऑन. मामा थोड़ा ज्यादा हो रहा है लेकिन मैं स्पॉन्सर नहीं कर रही. ऑल्दो आई फील लाइक इससे बेटर जो वाला आता है ना, जो एक्चुअल रोल ऑन आता है, मैं नाम ब्रांड का नाम भूल गई, मैं हमेशा उस ब्रांड का नाम भूल जाती हूँ, मुझे वो ज्यादा बेटर लगता है. मैं आपको पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी. मेरा वो खत्म हो गया था तो मैंने रैंडमली अमेजोन से ऑर्डर कर दिया था, तो अभी यही मेरा चल रहा है. बट दिस ऑल्सो डिसेंट इनफ. ये वैसे बच्चों का है, तो अगर आपके भी घर में बच्चे हैं तो ये रोल ऑन एकदम परफेक्ट है. ये बेसिकली क्या होता है, आपको इसको अपने कपड़ों पे लगाना होता है. ये फैब्रिक रोल ऑन है, इसको अपनी बॉडी पे मत लगाना प्लीज. तो क्या करना होता है, जैसे मेरी स्लीव यहाँ पे एंड हो रही है, इतना मेरा एक्सपोज है ना एरिया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोल ऑन लगाऊंगी. मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोल ऑन लगा सकती हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोल ऑन लगा सकती हूँ, ताकि इसके बाद जो खुशबू आती है ना, तो मच्छर मुझे काटेगा नहीं. मैं पैरों पर, अपनी बेलीज के ऊपर, फुटवेयर पर भी काफी बार लगा देती हूँ, लेसेस पर लगा देती हूँ. तो इसकी जो खुशबू है वो थोड़ी सी गंदी है, आई एम एडमिटिंग इट. मतलब अगरबत्ती जैसी इसकी स्मेल आती है. बट देखो, अगर मच्छर से बचना है, डेंगू से बचना है, तो थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा. अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो ये फॉर किड्स एकदम परफेक्ट है. एंड लास्ट एंड फाइनल, समर बॉडी केयर हैज टू बी गुड फ्रेग्रेंस, बिकॉज समर में कुछ भी कर लो, अगर बाहर निकल के आपने से अच्छी खुशबू नहीं आती ना, तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता. अंडर आर्म रोल ऑन तो देखो स्वेट की जो स्मेल होती है उसको कहीं ना कहीं कम करने में हेल्प करता है, लेकिन उसके अलावा भी मैं बॉडी पे लगाती हूँ. सो समर का जो मेरा फेवरेट बॉडी मिस्ट है ना, वो है ये प्लम का ट्रिपिंग मिमोसा. ये मुझे काफी अच्छा लगता है. दिस इज माई सेकंड बॉटल, आई लव दिस वन. एकदम इसकी फ्रेश, जो एकदम गर्मियों की एकदम परफेक्ट खुशबू होती है ना, ट्रिपिंग मिमोसा ड्रिंक भी आती है. आप कहीं कैफेज में जाओगे, मिमोसा ड्रिंक आती है ना, इसकी बिल्कुल वैसी खुशबू है, जो सिट्रसी लाइम ऑरेंज की. सो अगर आपको भी सिट्रस नोट्स पसंद है ना, ये एकदम परफेक्ट बॉडी मिस्ट है. आप इसको अपने कपड़ों पे या बॉडी पे कहीं पर भी लगा सकते हो. लव दिस वन. उसके अलावा परफ्यूम कैटेगरी में मैंने ये अमेजोन से परचेज किया, एंड यू कैन कॉल दिस इन्फ्लुएंस्ड बाय यू गाइज. मैंने बहुत पहले ना इंस्टाग्राम पे एक गिवअवे होस्ट किया था परफ्यूम के किसी ब्रांड के साथ, और उसमें एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज योर फेवरेट परफ्यूम ब्रांड. तो उसमें काफी लड़कियों ने यही कमेंट किया था, स्किन बाय टाइटन, स्किन बाय टाइटन न्यूड, यही वाला जो परफ्यूम है. तो मैंने इसका जो ट्रैवल साइज है ना, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, और मैं आप सबके सामने खोलने वाली हूँ. मैंने अभी तक ये खोल के देखा भी नहीं है. सो लेट्स सी. मुझे एक बैग के लिए भी परफ्यूम चाहिए था, बिकॉज गर्मियों में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्मेल काफी बार आ जाती है. सो बैग के लिए भी एक परफ्यूम होना चाहिए रीटच करने के लिए. ओह, आई रियली लाइक द बॉटल, लाइक लुक एट दिस, सच अ क्लासी बॉटल. कितना प्यारा इसमें ग्रेडियंट जा रहा है. दिस इज नाइस. लेट मी जस्ट स्निफ इट. ओह, इट्स गुड. इट्स वेरी लाइक डेट नाइट की एकदम सेक्सी, और वैसी खुशबू नहीं होती, काफी सटल क्लासी इसकी बिल्कुल वैसी खुशबू है. ओह, दिस इज नाइस, आई एम लाइकिंग इट.
दिस इज परफेक्ट फॉर योर बैग आई थिंक. इसकी स्प्रे बॉटल का साइज एकदम परफेक्ट है, कॉम्पैक्ट है, आपके छोटे छोटे स्लिंग में फिट आ जाएगा. और प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे इसकी क्वांटिटी भी सही लगी. इसके जो नोट्स है ना, बाय द वे, इसमें रास्पबेरी, लीची, सिट्रसी का भी एक इसमें नोट आ रहा है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है, हल्का सा एक सिट्रसी नोट आ रहा है, इसलिए मुझे पसंद आ रहा है. रियल लाइक सिट्रसी वाली खुशबू. न्यूड इज अ हिंट ऑफ मस्क विच मेक्स अ मेमोरी ऑफ स्वीट रोमांस दैट लास्ट फॉर एवर. डेफिनेटली क्लेम पे खरा उतर रहा है, बिकॉज की वैसी स्वीट रोमांस वाली खुशबू है. सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस. एंड विद दिस माय बॉडी के एसेंशियल्स आर ओवर. इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपको एक माय हॉल स्टोर का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, आपको सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे इजिली विजिबल होंगे विद अपडेटेड प्राइस. जो अमेजोन में प्राइस चलता रहता है, बिकॉज डील प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो आप जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. उसके अलावा डू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा. kashika.chauhan है मेरी इंस्टाग्राम आईडी. मैं वहाँ पर बहुत सारे रिव्यूज करती हूँ, अपडेट जो भी रील्स पे रिव्यूज करती हूँ, गिवअवेज वहाँ पे काफी सारे होस्ट करती हूँ. सो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर एज वेल. सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू हियर. यहाँ पर आप मेरी पुरानी वीडियोज भी देख सकते हो इजिली. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. हैप्पी समर्स.